एक बात सुन लीजिए, हम जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे हम ये प्रांगण नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लेकिन मेरी आपसे एक निवेदन है, हम एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहते हैं। हमने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना निवेदन किया, अपनी व्याख्या रखी है, उनको उस पर निर्णय दे देने चाहिए। फिर इनके कागज की मैं सारी जितनी कॉपी कहूँ उतनी कॉपी प्रोवाइड करूँ। नहीं, ये अभी आप कैमरे पे दिखा रहे थे ना, तुमने कहा एक फोटो दे देते हैं, मिल जाएगी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। थैंक यू। इस सवाल का कोई आपको एस्ट्रोलॉजर जवाब दे पाएगा कि समय अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या हो रहा है? हमारा काम है वकील होने के नाते जिसने हमको आस्था रखी है उसके बिहाफ पे अपने को इसको प्रेजेंट करना। हमने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना केस रखा है, बड़ी मजबूती से रखा है, कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमने छोड़ी हो। चारों आदमी का एक एक सवाल का हमने जवाब दिया। आप धूप में ज्यादा मत करो, ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, चार में से दो के तो एक ही कंप्यूटर पर टाइप हैं और उस पर दोनों लोगों ने अलग अलग साइन किए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है, बाकी जो दो हैं उनमें भी फैक्ट्स मोरलेस सेम है जो ऑब्जेक्शन लगाए। ऐसा लगता है कि जो चारों ऑब्जेक्शन हैं करीब करीब एक साथ तैयार थे, किसी एक ऐसा लगता है जी। हमने हर सवाल का जवाब दिया है, कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसका हमने जवाब नहीं दिया हो। हमने ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, वो निर्णय ये कहता है कि सिटीजनशिप का जो मुद्दा बार बार उठाते हैं, ये मुद्दा 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है, उसमें जजमेंट है, तो हमने उस जजमेंट की कॉपी लगाई। दूसरा, सिटीजनशिप पे ही एक मुकदमा अलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसके सामने रखा गया था, उसके जजमेंट की हमने कॉपी लगाई है। तीसरा, हमारा कहना यह है कि जो सिटीजनशिप है उसका सेक्शन 9(2) जो है वो बड़ा क्लियर कहता है कि इसको इवन कोर्ट्स को देखने का अधिकार नहीं है, सिटीजनशिप का जो देखने का अधिकार है वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को है। इस केस में कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी डिफाइन की हुई है सिटीजन एक्ट में और उसके जो रूल्स फ्रेम किए हैं रूल 40 में प्रोवाइड किया हुआ है कि कौन इसको देखेगा। तो हमने अपनी तरफ से ये निवेदन किया है रिटर्निंग ऑफिसर साहब को, ये ऑब्जेक्शन तथ्यहीन है, इस ऑब्जेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपको देखने का अधिकार ही नहीं है, ये सिर्फ सिटीजनशिप कैप के मार्फत उनको देखने का अधिकार। तो नाम पे जो विवाद हुआ एम पे राहुल गांधी के नाम पे, देखिए आप कौन बिल से मुझे नहीं पता, राहुल गांधी साहब ने एम पिल 1995 में पास किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बात किया था, वहाँ से उनको जो डिग्री अवार्ड हुई है एमफिल की डिग्री अवार्ड हुई है 1995 में डिग्री अवार्ड हुई है, उस डिग्री की हमने कॉपी अपने जवाब के साथ लगाई है। तो ये इशू ही नहीं है जब हमने 1995 में पास किया है, आप 2004 या 5 का किसी का भी नाम लेके कहते हो उनके कागज है तो वो तथ्य है, मतलब उसमें राहुल गांधी नाम है, हमें नहीं पता क्या नाम है। तो ये 1995 का हवाला, हाँ उसमें राहुल गांधी, मैं आपको दिखा देता हूँ, बायकॉप कंपनी के नाम पर जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। थोड़ा सा पीछे रहिए, देखिए सर, 1995 में राहुल गांधी जी ने एमफिल पास किया था, ये उस डिग्री इस डिग्री की कॉपी हमने अपने जवाब के साथ लगाई, 1995 में किया है राहुल गांधी लिखा, राहुल गांधी लिखा है अभी मत, और जो 1994 में उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया, ये उस सर्टिफिकेट की कॉपी है, 1994 में ग्रेजुएशन किया वहाँ पर। हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, मान लेंगे। अच्छा एक सर, यूके में जो कंपनी है उसको लेकर भी, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर भी वो शोर, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इसको समझने का। पिछले दो दिन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक भाई जो है वो खबर छाप रहे हैं वो दिखा रहे हैं वो बहुत सही नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पकड़ लो ये जो कानून कहता है, जो रिप्रेजेंटेटिव घूम नीचे कर लो यार, थोड़ा 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 घूम नीचे कर लो, बेसी नहीं दिख रहा है, पीछे हो जाओ, नीचे करो, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो धारा 36 है, उस धारा 36 के मातहत यदि किसी
किसी नॉमिनेशन के साथ, नॉमिनेशन के अगेंस्ट कोई कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन दाखिल करते हैं तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस हैं कि आप जिस कैंडिडेट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल हो रहा उनको आप रीजनेबल टाइम दें। रीजनेबल टाइम का मतलब होता है कि जिस दिन वो ऑब्जेक्शन दाखिल किए उसके नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे तक देना चाहिए। वही समय हमको मिला है, हमको संडे का इसलिए नहीं मिला है कि संडे की छुट्टी थी। कानून ये कहता है कि यदि अगले दिन छुट्टी है तो उससे जो नेक्स्ट डेट होगी उस दिन हियरिंग होगी। तो क्या आपको समय कम मिला, आप ही कह रहे हैं? हमें ना समय कुछ ना हमें समय कम की चिंता थी ना ज्यादा की चिंता थी, लेकिन कुछ साथियों का कहना था कि आपने इनको 2 दिन दिए, जो फैक्चुअली गलत प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी तो आपकी है, मेरी तो प्रॉपर्टी है नहीं। आप बार बार मेमो में खुद सवाल डालना चाहते हैं सर, ऑब्जेक्शन है ना। अरे 2009 में वो कंपनी बंद हो गई थी 2009 में, और जो फॉर्म 26 2019 में फाइल होना उसमें पिछले 5 साल की देनी है हमको एसेट्स एंड लायबिलिटी। 2019 का एसेट्स कहाँ से देनी है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब आप कहने लगे तो गलत। इमूवेबल एसेट्स के बारे में